सो गाइस, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। और आज एक कमाल की फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ, आपको बताने भी वाला हूँ कैसे एडिट करना है। सारी जानकारी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस, आपको कुछ सिंपल आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं गाइस, इस प्रकार के फ़ोटो एडिट करने वाला हूँ। तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद एडिट ए फोटो पर क्लिक करेंगे गाइस, देन हम अपना फोटो ऐड कर लेंगे। सो गाइस, मैंने अपना फोटो ऐड कर लिया है, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस, आपको यहां पर क्लिक करना है रिमूव पीजी, ठीक है गाइस। आपका नेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए, तभी आपका बैकग्राउंड इरेज होगा। तो ये मेरा पिक्सार्ट अनलॉक फीचर है गाइस, ठीक है, आपको डाउनलोड कर लेना है। देन आपको यहाँ से सेव कर लेना है ऐसे डायरेक्ट, इसके बाद कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको सेव कर लेना है। जैसे सेव हो जाएगा, यहाँ से बैक हो जाना है, पिक्सार्ट के होम पर चले जाना है, ठीक है गाइस। इसके बाद डिस्कार्ड कर देना है। सो गाइस, ये बैकग्राउंड आपको ऐड कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में जो कुछ मैं पीएनजी यूज करूँगा, सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में पीएनजी मिल जाएगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले गाइस, हम जो बैकग्राउंड रिच किए थे वो फ़ोटो ले लेंगे, मतलब पीएनजी ऐड कर लेंगे अपने फ़ोटो पर। ऐड ए फोटो पर क्लिक करेंगे, देन अपना बैकग्राउंड जो रिच किए थे उसको ले लेते हैं। देन इसको एडजस्ट करके अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद हम यहाँ से टैप करके छोड़ देंगे, ठीक है गाइस। यहाँ से ओके नहीं करना है गाइस, नहीं तो आपका पूरा काम बिगड़ जाएगा। टैप करके छोड़ देना है, ठीक है गाइस। उसके बाद गाइस, हम स्टिकर वाले पर क्लिक करेंगे। ये वाला इफेक्ट यूज करेंगे शैडो, इसको गोल कर देना है ऐसे जूम करके, ठीक है। इसको भी बड़ा कर देना है, अपने हिसाब से कर लीजिएगा अपने फ़ोटो के हिसाब से। इसके बाद जिस जगह पे मॉडल बैठा है उसी के नीचे लगा देना है। फिर इस जगह पर क्लिक करना है गाइस, कॉपी वाले पर क्लिक करना है, देन मूव डाउन कर देना है। ये मॉडल के पीछे चला जाएगा शैडो। इसके बाद इसको एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से, देन मैंने एडजस्ट कर लिया है, इसको टैप करके छोड़ देते हैं। देन गाइस, आपको ऐड ए फोटो पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, मैंने ये चार जो पीएनजी ऐड किया है, ये डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है गाइस। अभी एक पीएनजी और यूज करेंगे, पहले आपको ये बता देते हैं। इसको ब्लेंड स्क्रीन कर देना है, कैसे करना है अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले गाइस, इसका ब्लेंड स्क्रीन कर देते हैं, बारी बारी स्क्रीन करके इसको यहाँ पर सेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद बारी बारी सबका स्क्रीन चेंज कर देते हैं, उसके बाद फिर एडजस्ट कर लेंगे। तो गाइस, मैंने सबका स्क्रीन चेंज कर दिया है, इसको एडजस्ट करके यहाँ पर ला देना है। पहले लाइट वाला एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, ठीक गाइस। इसको यहाँ पर सेट कर देना है, देन ये वाला गाइस, इसको यहाँ पर सेट करना है कुछ इस प्रकार से, ठीक गाइस। उसके बाद ये वाला बड़ा कर देना है, सॉरी गाइस, ये वाला इफेक्ट बड़ा कर देना है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद डन कर देना है। इसका जो लाइट इफेक्ट है, इसका कैपेसिटी जीरो करना है, ठीक है गाइस। कुछ इस प्रकार से थोड़ा कम कर लीजिएगा, अपने फ़ोटो के हिसाब से कम कर लीजिए। उसके बाद गाइस, हम एक इफेक्ट और यूज करेंगे, सो गाइस, इसका कलर वाइज चेंज कर देना है। कलर वाइज कैसे चेंज करेंगे, आपको गाइस इफेक्ट पर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे,
इसको यहाँ पर कर देना है, कलर वाइज पर क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से डन कर लेना है, देन इसका ब्लेंड स्क्रीन कर देना है। ठीक गाइस, स्क्रीन जैसे करेंगे ये सेट हो जाएगा गाइस, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद गाइस आपको तो गाइस इसको बड़ा कर लेना है कुछ इस प्रकार से। फोटो खसक जाए तो गाइस आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा वैसे दोबारा। ठीक गाइस, उसके बाद यहाँ से डन कर लेते हैं। उसके बाद गाइस आपको यहाँ रिटच वाले पर क्लिक करना है, आपका फेस भी स्मूथ करना है गाइस। सबसे पहले गाइस आप स्किन वाले पर क्लिक कर देना है, स्किन टोन वाले पर। सबसे पहले फर्स्ट वाले कलर पर, वाइट वाले पर क्लिक करना है, इसको ऑटो कर देना है, देन आपका स्मूथ हो जाएगा गाइस। कुछ देख सकते हैं इस प्रकार से, देख सकते हैं इसका अमाउंट भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस आपका फ़ोटो कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।